गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आपकी बहुत लंबे टाइम से जो वेट चल रहा था इस वीडियो के लिए, तो वो वीडियो आ गया है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ हाईकोर्ट LDC के एग्जाम की। ठीक है, एग्जाम कब होगा, बार बार आपके प्रश्न आते हैं। ठीक है, स्टिल मैं सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा, अभी भी एग्जाम का डेट फाइनल नहीं हुआ है। तो अगर आप मुझसे एक पर्टिकुलर डेट पूछ रहे हैं कि सर आप पर्टिकुलर डेट बता दीजिए, तो अभी भी डेट क्वेश्चन मार्क है, अभी भी डेट फाइनल नहीं हुआ है। अब मैं सिर्फ आपको एक्सपेक्टेड मंथ बता रहा हूँ, ठीक है, और जो मंथ बता रहा हूँ उसी में एग्जाम कंडक्ट होना है। जो एक्सपेक्टेड मंथ है उसकी ही मैं बात कर रहा हूँ। और ऐसे बहुत सारे बच्चे जो है वो बार बार कॉल करते हैं, सर कि हम पिछले 3 साल से हमने इसके अलावा किसी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं की है, हम बहुत ज्यादा सर बुरी सिचुएशन से होके निकल रहे हैं। मैं आप सभी की फीलिंग समझता हूँ और उसकी रेस्पेक्ट भी करता हूँ। ठीक है, जितना मेरी तरफ से हेल्प होता है मैं हमेशा खड़ा हूँ आपके साथ। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड मंथ है वो एग्जाम का वो रहेगा आपके मार्च, मार्च 2023। ठीक है, ये कड़वा है लेकिन सर मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, अगर कुछ चीजें पॉसिबल होती हमारे पास तो हम डेफिनेटली करते। ये एग्जाम डेट आपका आना है और मैं आज इस वीडियो को यहीं पे ड्रॉप मत करना, आज इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पिछले 3 साल की बात करें, लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल से आप कंटिन्यू सिर्फ एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हाईकोर्ट LDC की। आप सिर्फ हाईकोर्ट LDC के अलावा आपने कोई पेपर नहीं दिया, आपने कोई फॉर्म नहीं भरा, तो सबसे पहली बड़ी गलती आपने ये की है कि आपने कोई फॉर्म नहीं भरा, आपने कोई एग्जाम नहीं दिया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये गलती क्यों है, मुझे पता है शायद आप मैथमेटिक्स को लेकर थोड़ा सा फियर फील कर रहे हैं, शायद आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो साइंस को लेकर आप फियर फील करते हैं। बट बच्चा जी, मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने CET में फॉर्म भरा है, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर आप उसको भी टाइम दीजिएगा। फेब में CET का एग्जाम होना है, उसमें भी LDC की पोस्ट है, तो वो भी उस पर भी आपको काम करना है। तो सबसे पहले तो जो CET है, अगर CET की बात करें तो CET जो एग्जाम्स है वो आपके फेब में कंडक्ट होना है। तो फेब में जो एग्जाम कंडक्ट हो रहा है आपको उसकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा इन द सेंस जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद आप कॉन्टिन्यूसली उस पर काम करिएगा, थोड़ा सा आप इस तरफ भी ध्यान दीजिएगा। एक दो सब्जेक्ट है उनमें किसी एक सब्जेक्ट को भी आप तैयार कर लेंगे तो जो आपका CET है वो क्वालिफाई हो जाएगा। हमें CET एग्जाम से पोस्ट नहीं मिलनी, हमें CET एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जाना है। हाईकोर्ट LDC में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं हाईकोर्ट LDC में CET होगा क्या? अरे भाई बड़ी गजब की बात है, आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके ऐसे प्रश्न आते हैं हाईकोर्ट LDC में CET होगा क्या? अरे भाई CET का पोर्शन बिल्कुल अलग है, हाईकोर्ट का पहले ही नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरे जा चुके हैं। ऐसे प्रश्न पूछ के तो आप ये शंका पैदा करते हैं कि मैं एग्जाम की तैयारी कर भी रहा हूं या सिर्फ दिखावा कर रहा हूं। ठीक है, बात कड़वी है लेकिन ऐसे प्रश्नों के उत्तर यही होंगे सर। अगर आप ध्यान दें तो 3 साल से आप एग्जाम के पीछे पड़े हैं, तो मैं आपको बस इतनी सी हिंट दे रहा हूं कि आपको कुछ नया नहीं पढ़ना, सिर्फ एक सब्जेक्ट या तो साइंस या मैथमेटिक्स जो आपका अच्छा लगता है आपको, उसको एक साथ में 2-2.5 घंटे आप साथ में ऐड करिए, ताकि और कुछ नहीं हम CET का प्री क्लियर कर पाए। क्यों, उसके बाद में हाईकोर्ट के बाद हमारे पास एक ऑप्शन होना नहीं चाहिए, नहीं तो अदरवाइज फिर से वही कंडीशन आएगी कि सर हम तो सिर्फ हाईकोर्ट की कर रहे थे, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। भाई ऐसा फ्यूचर में नहीं हो आपके साथ, इसलिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। 2 से 4 मिनट और आपको मुझे देना है सर। अब आपको करना क्या है इस ड्यूरेशन में, जो सिर्फ हाईकोर्ट के पीछे ही, ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ हाईकोर्ट के लिए ही डेडिकेट है, उनको दूसरा कोई एग्जाम देना ही नहीं है। ऐसे बच्चों की बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप हमें आपके जो टेस्ट पेपर है वो ऑनलाइन प्रोवाइड करवाइए और एक मिनिमल कॉस्ट होनी चाहिए उसकी, ऐसी कॉस्ट हो कि हम अफोर्ड कर पाए। मैं ज्यादा टाइम के लिए नहीं, लेकिन अगले 2 दिन के लिए, मैं पहले भी आपको पता है सिनोनिम की जो सिनोनिम सेंटोनिम की क्लासेस है, मैंने 10 डेज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियो आपको अवेलेबल करवाए थे। ठीक है, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, जितने भी हमारे टेस्ट पेपर है हम आपको 100+ टेस्ट पेपर का एक सेट बना के दे रहे हैं, प्लस 100+ टेस्ट पेपर। सबसे पहली बात, टोटल 100+ टेस्ट पेपर अवेलेबल होंगे और इस 100+ टेस्ट पेपर में आपके 50 जो टेस्ट है, जो आपके 50 टेस्ट है वो तो 30 क्वेश्चन के होंगे और विथ सॉल्यूशन होंगे, विथ वीडियो सॉल्यूशन होगा, हर टेस्ट डिटेल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और आगे के जो 50 टेस्ट है वो होंगे आपके 150 क्वेश्चन के। इट मींस 50 टेस्ट है वो 30-30 क्वेश्चन के और 50 टेस्ट है वो 150 क्वेश्चन के होंगे। इसके अलावा टिल एग्जाम,
एग्जाम तक, टिल एग्जाम, एग्जाम तक आपके एवरी सैटरडे, एवरी सैटरडे आपके टिल एग्जाम तक एवरी सैटरडे आपके क्या होगा, कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट, कंप्लीट कंप्लीट सिलेबस का जो टेस्ट है वो कंडक्ट होगा। तो इन बातों पर आप ध्यान दें, टिल एग्जाम तक एवरी सैटरडे आपके कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट होने वाला, एवरी सैटरडे लगभग 500 से 700 जो बच्चे हैं उनके बीच में आपकी क्या रैंक रह रही है वो आपको पता लगने वाली है और ऑनलाइन कंडक्ट होने वाला है। तो एवरी सैटरडे कंप्लीट जो आपका सिलेबस है हाईकोर्ट एलडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टेस्ट कंडक्ट होने वाला है। तो आप ये टेस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस टेस्ट को पार्टिसिपेट करने के लिए मैं सिर्फ 2 डेज के लिए ऑफर रख रहा हूं, ठीक है। आप नेक्स्ट 2 डेज में, आज का दिन है, कल का दिन है और परसों का, नेक्स्ट 2 डेज का मतलब अगले 2 दिन आपको मिल रहे हैं। तो अगले 2 दिन में, आज जो तारीख है वो है 12, ठीक है, तो मैं 13 और 14 से पहले पहले आप अगर इस टेस्ट सीरीज को बाई करते हैं, बहुत ज्यादा डिमांड में मैंने ये टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, अगर आप इसे बाई करते हैं तो 1000 में आपको 100+ टेस्ट पेपर मिलेंगे और टिल एग्जाम तक, एग्जाम तक आपको एवरी सैटरडे हमारे जो ऑफलाइन के टेस्ट पेपर है वो आपको टिल एग्जाम तक मिलने वाले हैं। अगर अगर आप ये टेस्ट सीरीज अगले 2 दिन में बाई करेंगे तो 1000 रुपीज होगा, उसके बाद में इसकी जो चार्जेस है वो 2100 रुपए हो जाएगी सर, ठीक है। उसके बाद आप मुझे उसके बाद में आप ऐसी बात मुझे बिल्कुल भी मत बोलिएगा कि सर थोड़ा चार्जेस लो कर दीजिए, थोड़ा सा कम कर दीजिए, ठीक है। मैं अगले 2 डेज के लिए आपको ये ऑफर कर रहा हूं, इस ऑफर में आप बाई कर लीजिए। अगर आप सारे टेस्ट पेपर जो अब तक हमने कंडक्ट करवाए वो सारे टेस्ट पेपर देना चाहते हैं, प्लस सारे के सारे आने वाले सारे टेस्ट पेपर अगर आप देना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आपके पास प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और सारे के सारे बच्चे जो ऑफलाइन ऑनलाइन सारे बच्चों के साथ अपनी रैंक को कहां पर आप वहां सर्वाइव कर रहे हैं, कितने बच्चों में आपकी कौन सी रैंक है, ये देखने में आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। एग्जाम डेट आपको पता, एग्जाम डेट तो पता नहीं चली लेकिन एग्जाम मंथ आपको पता चल गया है। एग्जाम मंथ हमारे पास में है, पूरा समय है। अगर आज से भी तैयारी चालू करते हैं, बिल्कुल जीरो से तैयारी चालू करेंगे तो भी हम बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन अचीव कर सकते हैं। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। और आपकी क्या क्वेरीज है, आप मुझसे क्या चाह रहे हैं, किस तरह की आप वीडियो चाह रहे हैं, वो सारी चीजें आप कमेंट में मुझे मेंशन करें, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट रहता है वो भी मुझे कमेंट में मेंशन करें। और ऐसे कुछ बच्चे थे जिन्होंने मुझे अभी मैसेज किया कि सर आप बता रहे थे कि नवंबर में एग्जाम होना है, दिसंबर में एग्जाम होना है, हुआ तो नहीं सर, ठीक है। मैं उन बच्चों को सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा, भाई अगर होता तो तुम देने नहीं जाते क्या? अगर आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है तो मैं वो डिलीवर कर रहा हूं। मैं अब तक कम से कम 50 वीडियो बना चुका होता अगर मेरे पास डेट अवेलेबल ही नहीं होती और मुझे सिर्फ वीडियो बनाना होता, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो कहते हैं कि सर आप व्यू के लिए वीडियो डिलीवर कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं भाई आपको किसने बुलाया इस वीडियो पे, ठीक है, किसने कहा है कि इस वीडियो पे आइए इसको देखिए, किसने कहा आपको, ठीक है। ऐसे जो बच्चे हैं मैं उनको एक ही बात बोलूंगा, आप आराम से इस चैनल को अनसब्सक्राइब करें और आराम से बैठिए सर, ठीक है। क्योंकि जहां तक मेरी नॉलेज है, जिन जो बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड है वो मुझे अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, जब मेरे पास न्यूज होती है तो ही मैं डिलीवर करता हूं। ऐसे बकवास वीडियो बिना न्यूज के ही न्यूज में कन्वर्ट कर देना, तो ऐसे हमारे पास ऑप्शन नहीं है। आप डेडिकेटली मेहनत करिए, पूरी जान लगाइए, आप टेस्ट सीरीज के साथ मेहनत करिए, ठीक है। नेक्स्ट 2 डेज पूरा इस ऑफर का लाभ उठाइए और जम के मेहनत करिए। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।